हिट एंड रन मामले में लागू किए गए नए कानून के विरोध में मध्य प्रदेश बस व ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिए। इसका असर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी देखने को मिला। ड्राइवरों ने इंदौर नेशनल हाईवे पर एकजुट होकर सभी वाहनों को रोकते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ड्राइवरों ने अपने वाहनों को हाईवे पर खड़ा कर चक्का जाम किया, जिसके कारण आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि एसोसिएशन का कहना है कि सरकार जब तक ये बिल वापस नहीं लेती है तब तक ये विरोध जारी रहेगा। इधर बड़वानी जिले में भी हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में सेंधवा में चालक परिचालकों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। बस स्टैंड से अलग अलग शहर, गांव और अन्य प्रदेश तक जाने वाली करीब 150 बसों के पहिए थम गए, जिससे आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश ड्राइवर यूनियन वाहन मालिकों के आह्वान पर नए साल में खरगोन जिले के सेगांव में भी ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थमे बस व ट्रकों के पहिए। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर काला कानून वापस करने की मांग की। ज्ञापन दिया तहसील में ये माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा काला कानून लगाया गया। इस संबंध में क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये जो काला कानून हमारे पे ड्राइवर लोगों पे और मोटर मालिकों पे जो लगाया गया वो वापस लिया जाए। हम गरीब ड्राइवर हैं, हमारे सरकार ने नियम हम पे लागू किया है कि एक्सीडेंट होने पे 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना किया गया है। तो हम गरीब ड्राइवर हमारे घर परिवार का भरण पोषण करते हैं, हम 7 लाख रुपये और 10 साल की सजा कहाँ से करें? आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि ये हमारे नियम वापस ले, काला कानून वापस ले। अगर नहीं सुनी तो क्या करोगे? ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी।